हेलो जी, राम राम जी। हमारा यूट्यूब चैनल में नया वीडियो था को सबको स्वागत है। ते सब बढ़िया होगा या आशा करूं, मैं भी सब बढ़िया चाह तो आज था गया। काफी कमेंट का बाद था कि फ्रमिस वो छी भाई ते ब्लाउज बनानो बताओ, तो मैंने तो ब्लाउज तो कम ही बनाऊ मैं था के लिए। आज मैं हमारी यूट्यूब फैमिली के लिए आज मैं ब्लाउज की कटिंग और सिलाई बताऊंगी। देखो मनावली ये चीज़ पूरी बताऊंगी था ना, और मैं कहीं कटिंग करूँ चू वो देख सको जो थे, फिर भी ना समझ में आओ तो मन जरूर पूछ जो थे। तो आज आप ब्लाउज की कटिंग और सिलाई दोनों बताऊंगी मैं। तो ये ब्लाउज को कपड़ो ली चू मैं ना, तो देखो ये ब्लाउज को कपड़ो चा अपना कढ़ाई वालो चे ब्लाउज कसीदा चे, देखो रेड कलर को चे ब्लाउज या है ना। और ये ब्लाउज 80 सेंटीमीटर चा अपरो 80 सेंटीमीटर ब्लाउज चे या। तो देखो यहाँ उन्हीं की बारीक कढ़ाई जी का बहुत सुंदर फ्लावर है पर, तो अच्छी सी कढ़ाई जी पर देख सको जो थे, बहुत सुंदर कढ़ाई चे या बाजू बावली बाजू बाजू पे कढ़ाई तो है ना। और मैं ब्लाउज की कहीं कटिंग करूँ ली वो देख जो पूरा वीडियो, मैं कहीं करूँ थे भी जी हाँ मैं बताऊँ जी कर लीजो थे भी। देखो मैं ब्लाउज का फरमा बना रखी हूँ ना, देखो ये वाला तो थे भी फरमा फरमा बना सको जो था को पुराना ब्लाउज ना हुदेड़ भी का नाम से अखबार से कटिंग कर सको जो है ना भाई, ये फरमा चाहे तो थे भी कटिंग कर सको जो था को पुराना ब्लाउज उधेड़ और अखबार से ब्लाउज ना हुदेड़ और उसका प्रेस कर और फिर कागज का इस अखबार से कुछ फरमा बना सको जो। तो ये बनेड़ा से देख लो या पिचो को इस सोच है और या बाजू चे और या आगे को इस सोच है। तो ये डबल डबल चीज कटली सब तो दो लड़ा फोल्ड है या कपड़ो है ना, तो नाप इंच टाइप की नाप से भी बताऊ ली था ना भाई कि यहाँ उनकी नाप का चाहिए पूरी चीज बताऊ ली था। देखो ये तीनों चीज चाह अपना ना, तो आप पहले बाजू पर रख देंगे, ये रख देंगे बाजू पर पहले आप है ना। तो बाजू की लंबाई रख ला आप, देखो यार निशान अंदर तक रह लो, तो बाजू की लंबाई रख रही चु मैं 8 इंच है ना, 7 इंच रह जाओ ले अपना है ना। देखो यहाँ उड़ी का ना तो इको बराबर ही फिक्स या ये अंडी की फोल्ड हो जाओ लो कपड़ो क्योंकि ज्यादा चे या है ना फिक्स चे बाजू या। तो देखो बाजू की लंबाई तो 8 इंच रह ले अपना भाई, 8 रखी तो आधे इंच अंडी सिलाई में चल जाओ ली आधे इंच अंडी फोल्ड में चल जाओ ली, तो 9 इंच चाहे। और ये की कटिंग का टेल कर दे ला प्लेन कपड़ा की आप ये की है ना, इन्हें निखार दे ला प्लेन कपड़ा ने। तो ये बाजू रख दी मैं, तो ये देखो ये निशान लगा दूंगी। तो थे भी है ना अगर यहाँ आसानी से ब्लाउज की कटिंग कर वो सीखो जो, तो थे था पुराना ब्लाउज ने उधेड़ लीजो प्लेन ना और भी का दोर प्रेस कर और फिर फरमा कटिंग कर लीजो, तो आसान तरीको तो यह ही देखो है ना। अब बाजू को तो निशान लगा दिया आप, अब पिच्चो को निशान बिछाओ ला पा, तो ये पिच्चो को इस सोचे देखो है ना, तो ये पे भी निशान लगा देंगे आप तो ये निशान लगा रही चू मैं है ना। तो 1 इंच एक्स्ट्रा ले ली अंडी मैं क्योंकि सिलाई में भी आवलो अपना है ना जी सो। तो ये पिच्चो को इस आगो अपना, अब आगे को इस तरह की कटिंग करा ला ये डबल जा पिच्चो को इस तरह की तरफ देखो, या अंडी को कट ना होना चाहिए पक्को मुंडो होना चाहिए कट तो अंडी आगे की तरफ होना चाहिए। तो ये पिच्चो को इस सोचा अपना, तो ये पिच्चो को इस रख देंगे अंडा देख सको छो यहाँ उन्हीं का तो पिच्चा का सन भी यहाँ ही कटिंग कर ला पा, तो ये निशान लगा दूंगी मैं पिच्चा की हिस्सा हो चाहे जी में भी पिच्चा का सन लगा दी या आगा को जा तीरो। और ये गला पे निशान लगा दिया अंडा मैं, तो देखो यहाँ उन्हीं का फरमा जाए
तो वो टू क्या निशान लगावा चाह पर जे निशान कर रखी चुंड बीच में देख ले वो चार सड़ भरा का वाला जाकर निशान लगा रखी चुंड में 1 2 3 4 है ना तो वहां का बाद में लगाऊ ली और या इसो बचलो आ तो या तीरो लाग जाओ लो क्योंकि एक नीचे तीरो लाग लो। तो यहाँ उन्हीं के ब्लाउज की कटिंग कर रही चुमा तो देखो या तो जो ब्लाउज की लंबाई 14 इंच रहूजा अपना 14-15 रहूजा है ना तो 3 इंच को आप तीरो रह लो ना और आधा इंच अंडर सिलाई में चल जाओ लो आधा इंच या चल जाओ लो नीचे से फोल्ड भी हो लो अपना ना। ठीक है अभी 1 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए इन भी मैं है ना। तो अंडा सोपा कटिंग करा लाएगी तो मैं पहली बाजू की कटिंग कर लीजो तो यह बाजू की कटिंग है वो देखो और यह एक्स्ट्रा कपड़ो जा अपनो या जिनमें निखार दीजो या गला की पट्टी पर काम ले लेला अपन तो ये निखार दी मैं देखो ये बाजू कटिंग हो गया अपने अब अंडा फोल्ड कर दे ला इन्हें अब ये पीछे को आगे को इस तरह की कटिंग करा ला है ना। देखो अंडा सो तो यहाँ उन्हीं के यहाँ कटिंग कर लू ली मैं अब ये आगे का गड़ो कतरो रख ला जो आप पुराना ब्लाउज के नाप पर देख लेंगा तो यह रखू ली मैं 7 इंच सही है तो अंडा से मैं कटिंग कर लूंगी कि है ना तो अंडा से गड़ा की कटिंग करूंगी अब गोलाई दे दूंगी ना तो देखो यार आगे को इससे कटिंग होगो तो एक वो निशान लगाओ लो क्या लगाओ लो वो बताऊं तो मैं ये भी छादी ने देखो अपन इन भी छादी और या फरमो रख दी को ऊपर में या फरमो रख दी तो ये निशान लग रहा है ना जनरल निशान है चौकी इसो सॉरी ये लगाऊंगा ये एक आगे ज्यादा अच्छा तो देखो यहाँ रख रहे चौक सु ये निशान लगा दूंगी मैं तो अंडा ये क्या लाइन खींचा जब वो बताऊं तो थान देखो ये सीधी लाइन होगी देखो यहाँ आनी है ना अब ये यहाँ आनी होगी और ये यहाँ आनी होगी और ये आनी सीधी आ गई तो ये निशान लगा दी देखो मैं यहाँ का अभी हम सड़ भर आका वाला तो निशान लगाओ जब आसानी हो जाओ चाहे या 2 इंच पर चाह या 5 इंच चाह और या 4 इंच चाह और या 3 इंच पर चाह तो यहाँ के चाहे तो हम सड़ भर आका जाओला है ना सड़ भर आका वाला है हम सब में ब्लाउज भी हो चाहे अब तीरो वो कर रहे ना कटिंग है ना तो यह तीर हो जा अपनो तो यह कपड़ो जुड़ो लो क्योंकि लंबाई कम रही जा है ना अंडा यह जुड़ो लो अपनो तो यह कपड़ो जोड़ ले लेगा तो देखो यह कपड़ो जोड़ ला अंडा अपना तीरा का तो नीचे से फोल्ड भी जाओ ले तो ये नीचे इस अगर नीचे जुड़ लो या तो इन जोड़ ले ला अपा तो यह आगे को इस सोचा और यह पीछे का ऐसा एक कटिंग कर ले ला तो देखो तक ना समझ में आई तो मैं दोबारा बता दीजिए मैं दोबारा बना लू ली वीडियो तो यहाँ उन्हीं का अंडा सो या
कटिंग कर लिया। अब यह कपड़ो छे जी की आप बटना की पट्टी की कटिंग कर ले ला। हुक है, हुक लागल हुक आयो उली जी की पट्टी की कटिंग कर लिया मैं। हंडा सो तो ये दोनों हिस्से की पट्टी जा, तो अंडा सो आप आई की कटिंग कर ली मैं। तो देखो यहाँ उन्हीं का अपने ब्लाउज की कटिंग कटर तैयार हुई जो देख सको जो थे, ना समझ में आओ तो पूछ लीजो मन भाई। यहाँ उन्हीं का ब्लाउज की कटिंग करी चू मैं, थान बताई दी भाई मैं क्या कटिंग करूँ चू, बोलू था का मैसेज आओ जा के दीदी थे ब्लाउज भी सिलबो बताओ। तो देखो मैं यहाँ सिलू चू ब्लाउज सिलू जा दे, यहाँ तो मैं कम सिलू चू, पर यहाँ उन्हीं का देखो वो बता दी थान मैं, तो आप सिलाई कर ला तो सिलाई बताऊंगी, तो सिलाई को वीडियो भी पूरा देख जो थे। ब्लाउज की सिलाई बता रही जो अब, तो ये निशान लगाया था तेरा पा भाई, ये तो ये निशान लगाया था ना जंड, ये सर पर ले ला पा देख सको जो यहाँ होने का, तो ये सर पर ला पा यहाँ होने का। दो सिलाई करी थी देखो मैं यहाँ होने का, अभी यह इस पर लगा लेला साड़ा, सलवार वाला ये दो बार दी मैं, देख सको जो निशान लगाया जाए जहाँ पे भरी चु मई सड़क, तो अपना चार उबर जाऊ ला तो दोनों टूकिया कहीं आए भर जा रहा सड़क। तो देखो यहाँ उन्हें की सड़क भरा खा गई, अभी सीधी कर देखो दिखाऊँ जो था ना, देख सको जो थे यह हो गया अपनी टूकी, अब अंडा तीरों जोड़ ला है ना, तीरों जोड़ ला अंडा, तो कहें तेरा की लंबाई कम थी तो ये कपड़ो जोड़ दे ला पा या वालो आने का, तो ये कपड़ो जोड़ दी मैं दोनों तेरा का, अभी का अटैच कर ला। अरे ये दोनों का सड़ भर ली मैं देखो ये आने का, अब इनके यहाँ जोड़ा ला वो बताऊँ सुधा मैं, ये कपड़ा नूंगी साइड रख ला क्योंकि सिलाई में चल जाओ लो फिर रख दी मैं ना सिलाई कर लाई की, तो यहाँ उन्हीं के भरू ली सड़की या तेरों यहाँ जोड़ू ली, और इको मूच है ना यहाँ उन्हीं का करूँ ली अंडा से बीच लड़क हो गया, सिलाई हो गया अपने, तो अगलो हिस्सो तैयार होगा अपना पूरा देख सको तुझे आने का। अब पिछलो हिस्सो जोड़ ले लिया अब, जो पिछलो हिस्सो ले ली मैं ना, तो एक जोड़ ला पा अंडा देखने आने का, तो आगे की तरफ झुका दूंगा मैं सिलाई में, कंधा ना उतरा जिसो आएगा, क्योंकि यहाँ उनको सिलाई करा देना छोटा सो कंधा कौन उतरा जिसो, अब बाजू लगाऊं लाएगा ये तो लागेगी, तो बाजू ने फोल्ड कर लिया चापा थोड़ी थोड़ी,
फोल्ड कर सिलाई कर लेता भाई की। दोनों बाजू जोड़ रही छबी खाली हो तो नाम फोल्ड कर लेना वो ये आने का। तो देखो बाजू जोड़ रहा है अभी का सिलाई कर लगा बाजू की। तो बाजू लगा दिया हमने का दोनों बाजू लगा दिया ये देख सको तो। तो बाजू की सिलाई करा ला है ना बाजू का पूरा हिस्सा की कर लेला साइड में से सिलाई की का पूरा हिस्सा की सिलाई कर लेंगे एक सिलाई और तो दोनों तरफ से यहाँ एक सिलाई करो ली मैं यहाँ देखो साइड में तो सिलाई कर दी मैं कि अब बट हुका की पट्टी लगाऊंगा हुकर आई लगाऊं जो जी की। तो देखो ये पट्टिया चा अपने दो दोनों तरफ लगा ला ला एक तरफ सीधी लगाऊंगा एक तरफ उल्टी लगाऊंगा। तो एक तो आप सीधी लगाऊंगा रख दी सिलाई कर लो ली एक आप आउनी का उल्टी लगा रही चुम यार फिर सीधी साइड फोल्ड कर ला। अब तो यानी फोल्ड कर ला तो यानी अब पहले इन कर लिया था फोल्ड हुक वाली ने फोल्ड कर सिलाई कर दी मैं। तो देखो वो पट्टी की तो फोल्ड कर दी अब ये दूसरी हुक आई बनाऊंगी तो इधर दो सिलाई है लिया हूं ना फिर भी के बीच बीच में आया बढ़ा ली। तो देखो यहाँ की यह सिलाई कर दिया लापा दूसरी भी अभी के बीच बीच में आई बनाऊंगा हुक लगावा के लिए। तो ये निचली पट्टी फोल्ड कर लेला पर यहाँ उन्हीं की ना देख सको छोटे निचली पट्टी फोल्ड कर रही थी मैं अभी तो देखो ये गोल्डन कलर की वो लगा रही थी मैं डोरी गड़ा कर तो इन्हें सिलाई कर ले लापा। फिर फोल्ड कर सिलाई करा ला तो एक बार सिलाई कर लू पूरी की तो यहाँ फोल्ड कर लीजिए इनमें। तो देखो एक पास पास में यह सिलाई कर दूली मैं देखो तो पाइप निकल जाओ ली यहाँ उनका अपना देख सको जो थे नखाड़ी चाहिए पाइपिंग। तो पूरा गला गई है उन्हें के सिलाई कर दूंगी मैं अब ये दूसरी सिलाई भी कर देला उन्हें क्या ये उसको नहीं करना इस साइड से सही हो जाओगी बिल्कुल है।
देख सको तो यहाँ उड़ेगा। पूरी पाइप इन पे यहीं सिलाई कर दूंगे मैं यार। पाइपिंग भी लग गई, बस अब पीछे का सल देना जो फिर आप ब्लाउज बनकर तैयार होगो। नीचे पाइपिंग आपने तो देखो ये पीछे का सल दे लगा, तो ये थोड़ा थोड़ा ही देगा आप दोनों तरफ से। फिर आप है ना थोड़ा थोड़ा सा दे रही चुकी मैं पिक्चर, ज्यादा कौन दे सिलाई कर लेला की तो तेता साइड दे चु मैं सड़क, इस साइड भी दे देंगा। सर दे दी तो अपना ब्लाउज पूरा बन रहा तैयार है गो। अब बस हुक बटन करनी चाहे तो ये पाइपिंग देखो यहाँ उन्हीं का बैठी चाहे देख सको जो थे थोड़ा हो तो आए लो समझ में ना आए तो फिर बता जो और ब्लाउज सिलाई बता दूंगी थान मैं। तो देखो यहाँ उन्हीं को बन रहा तैयार हो गया ब्लाउज देख सको जो थे पाइपिंग निकाली जाएगा। देख सको जो थे ब्लाउज बन रहे तैयार होगा आपको पूरा।